दोस्तों स्वागत है आपको मेरे एक एक कुकिंग में। तो मैंने पिछले वीडियो में जो कूटे हुए गोश्त को मटन को जो कोफ्ता बनाया था, आज मैं उसी का रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, देख लेंगे आप किस तरीके से बनाया था। तो चैनल पर मैं नया था, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। ये कोफ्ते हैं, वही कोफ्ते हैं। मैंने इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर दिया हूँ, आप भी कर लेंगे। उसके बाद जो है ये प्याज मैंने तल के रखा है, दो प्याज है मीडियम साइज के, आप भी बारीक बारीक काट के ऐसे फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो है ऐसे बिखेर देंगे ठंडा होने के बाद। उसके बाद जो है ये एक मीडियम साइज का टमाटर है, और 3 से 4 कली लहसुन का, और अदरक का 1 इंच, और हरी मिर्च और धनिया पत्ता है। इसको हम एक मिक्सी वाली जग लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 ये लहसुन का कली छील करके, और उसके बाद जो है 1 इंच अदरक का काट लेंगे, और ये 4 से 5 हरी मिर्च, और उसके बाद जो ये तली हुई प्याज जो है इसमें डालेंगे हम, देख सकते हैं आप बेस डाल लेंगे, और थोड़ा सा छोड़ देंगे इसमें प्याज जो है वो बाद में डालेंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। फिर से एक भगोना रखेंगे, भगोने में वो तली हुई जो तेल बची थी, हम तेल बचा था उसको इसमें हम डाल लेंगे छान करके। और इसमें उसके बाद जो है थोड़ा तेल गर्म होने देंगे, उसके बाद जो तेज पत्ते डालेंगे और एक दालचीनी के टुकड़ा, और थोड़ी सी तेल में इसको रोस्ट होने देंगे। उसके बाद जो है इसमें 4 इलायची डालेंगे, छोटी इलायची, और उसके बाद जो पीसे हुए मसाले जो है ये तली हुई प्याज अदरक लहसुन ये सब इसमें डाल देंगे, और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से तेल में। और गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसमें भुनेंगे, देख सकते हैं आप इसको 2-4 मिनट तक भुनेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है कटी हुई जो टमाटर है वो डालेंगे इसमें, और हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ, टमाटर डालने के साथ में ये आधी चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और फिर ढक्कन लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और देख सकते हैं हमारे टमाटर गल गया है। थोड़े जो बच गए हैं वो मसाले जब भुनेंगे ये गल जाएंगे। उसके बाद ये मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, और ये लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ी सी, आधी चम्मच से कम, और हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और धनिया पाउडर जो है आधी चम्मच, और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। उसके बाद जो है मसाले को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से भुनेंगे, और जब मसाले हम भुनेंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और 2-3 मिनट भुनेंगे अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे। इस तरीके से उसके बाद जो इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था, मैं दिखाना भूल गया, आप भी डाल लेंगे। उसके बाद जो है चला करके मिक्स करके उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, और फिर भुनेंगे अच्छे तरीके से 1-2 मिनट। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो लाल मिर्च पाउडर जो पहले डाला था 1 चम्मच वही रहने देंगे। उसके बाद पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए इस तरीके से। अब इसमें जो है ये कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और चला लेंगे। उसके बाद जो है 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ढक्कन लगा के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे कोफ्ते करी स्पेशल तैयार हो गई है। उसके बाद जो तली हुई प्याज जो हमने बचाया था इसके ऊपर से डाल देंगे, और धनिया पत्ती डाल देंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें, और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।